ये बात एल्बर्टो ने लुका से कही थी। अब ये दोनों कैरेक्टर्स आखिर है कौन, ये पता चलता है हमें मूवी लुका के अंदर, जो रिलीज हुई थी ईयर 2021 में, जिसे पिक्सार एनिमेशन ने बनाया था डिज्नी के साथ। लुका एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी है जो फ्रेंडशिप के बीच की बॉन्डिंग को हमें दिखाती है। लुका एक सी मॉन्स्टर होता है जो पानी के नीचे गहराई में रहता होता है। वो हमेशा अपने ऊपर से जाने वाले शिप, बोट्स वगैरह को देखकर सोचता है कि आखिर ये लोग कैसे जीते होंगे, आखिर ये लोग है कौन। लुका अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी फैमिली ने ही उसे समझाया होता है कि समुंदर के ऊपर जाने के बाद इंसान उस पर अटैक कर देगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसे वहाँ ऊपर जाने नहीं देती, स्पेशली उसकी मॉम उसे ये कहती है। लुका की फैमिली में उसकी एक नानी होती है जो समुंदर के ऊपर जा चुकी होती है, वो अपना एक्सपीरियंस बताती रहती है। लुका ये सब सुन के एक फैंटेसी वर्ल्ड को इमेजिन करने लगता है। उसे भी ऊपर जाने का मन होता है, पर डर के मारे वो कभी ऊपर नहीं जा पाता। एक दिन समुंदर के अंदर वो कई सारी चीज़ों को पाता है। वो चीज़ें समुंदर के ऊपर से गुजरने वाली बोट के थ्रू फेंकी जाती है और उसी को एक दूसरा सी मॉन्स्टर कलेक्ट करता है और ऊपर जाता है पानी के। पानी के ऊपर जाते ही हमें पता चलता है कि वो सी मॉन्स्टर से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज़ लुका के साथ भी होती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है पर उसे उसकी आदत हो जाती है। अल्बर्टो, शुरुआत में ही मैंने मेंशन किया, एक ऐसा सी मॉन्स्टर होता है जो शुरुआत से ही समुंदर के बाहर और समुंदर के अंदर आता जाता रहता है और उसने अपना एक पूरा कैसल जैसा बनाया होता है जिसमें वो रहता है। लुका को वो सारी चीज़ें दिखाता है और लुका ये सब देखकर शॉक होता है। उसे लगता है कि आज तक मैंने ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं थी। उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो देख के ही हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि लुका वो सारी चीज़ों को पहली बार देखकर बहुत अंदर से एक्साइटेड होता है और इस नए वर्ल्ड को देखने के बाद उसे बहुत खुशी महसूस होती है। अल्बर्टो लुका को इंसानों की सारी टेक्निक्स बताता है, इंसानों के साथ बात कैसे करते हैं, उनके साथ चलते कैसे, वो ट्रैवल करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और लुका एक स्कूटर की फ़ोटो अल्बर्टो जिस घर के अंदर रह रहा होता है उसी की दीवार के ऊपर लगाई होती है एज अ पोस्टर। वो देखकर लुका पूछता है कि इसका इस्तेमाल क्या है। तब अल्बर्टो उसे बताता है कि इसका इस्तेमाल करके दुनिया में वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर घूमने जा सकते हैं बिना किसी बैरियर के। लुका का तब से अपने मन में एक सपना क्रिएट हो जाता है, उसे भी अल्बर्टो के साथ पूरी दुनिया घूमनी होती है। वो दोनों मिलकर एक पुराना स्कूटर बनाते हैं बचे कुचे सामान से और ऊंची पहाड़ी से उस स्कूटर को धक्का मारकर वो स्कूटर चलाते हैं। कई बार वो टूट जाता है, कई बार वो उछलता है, वो कई तरह के स्टंट्स करते हैं और अल्बर्टो और लुका इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो पानी को टच करते हैं वैसे वो वापस सी मॉन्स्टर बन जाते हैं और पानी के बाहर आने के बाद जैसे ही पानी सूख जाता है वो वैसे ही इंसान बन जाते हैं। ये चीज़ें हमें कई सारी सीन्स के थ्रू दिखाई गई हैं। फिर थैंक यू रेसी, इन सारे सीन्स के थ्रू अल्बर्टो और लुका के बीच के फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, जो देखकर हमें लिटरली बहुत खुशी होती है। हम हमारे बचपन को याद करने लग जाते हैं। लुका शुरुआत में बहुत डरता होता है नई चीज़ों को आजमाने से। उसकी मॉम ने जो उसके मन में डर बिठाया होता है, जैसे कि समुंदर के बाहर आने से उस पर इंसान अटैक कर देगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसी वजह से वो बार बार वापस समुंदर में जाना चाहता है एक अच्छे बच्चे की तरह। पर अल्बर्टो हमेशा उसे रोकता है और उसे एक ही लाइन कहता है, दोनों इसी तरह से एडवेंचर करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और एक दिन लुका के मन में सवाल आता है कि उन्हें असल में वो स्कूटर मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। उस स्कूटर का नाम वेस्पा होता है और लुका के मन में वेस्पा को पाने का एक डिजायर हमें दिखाई देता है। अल्बर्टो और लुका उस पानी के पास ही एक शहर बसा होता है, वहाँ पे जाते हैं इंसान बनकर और वहाँ पे उस वेस्पा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे उन्हें कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उन पर एक लड़का अटैक भी कर देता है, उन्हें परेशान भी करता है और उसी टाइम पे एक छोटी सी लड़की आती है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इन सारे सीन्स के दौरान हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है, एक कॉम्पिटिशन के बारे में। साइकिल रेस होती है जिसके अंदर जो भी जीतेगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा और उस इनाम का इस्तेमाल कर लुका और अल्बर्टो अपना ड्रीम व्हीकल परचेज कर सकते हैं। उस लड़की का नाम जूलिया होता है और वो अल्बर्टो और लुका को अपने घर में रहने की जगह देती है। वहाँ पे जूलिया के पापा भी हमें दिखाई देते हैं जिनका एक हाथ नहीं होता और दूसरे हाथ से वो मच्छी पकड़ने का काम करते हैं और मछलियाँ बेच के जो भी पैसे आते हैं उनसे वो अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने मिलती है, लुका और अल्बर्टो समुंदर के अंदर से आए होते हैं, उन्हें वो पास्ता सर्व करते हैं और पास्ता खाना उन्हें आता नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने हाथ से ही जल्दी जल्दी अपने मुंह में पास्ता खाने लग जाते हैं। ये देखकर उन्हें अजीब लगता है पर धीरे धीरे वो उन्हें सिखा भी देते हैं। लुका और अल्बर्टो जूली और उसके पापा के फेवरेट बन जाते हैं। इनके बीच का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है और हमें बहुत पसंद आता है। लुका, अल्बर्टो और जूली के बीच की जो फ्रेंडशिप होती है वो इस मूवी के अंदर ग्रो करती हुई हमें नजर आती है। और एक चीज़ नोटिस करने जैसी हमें लगती है,
लुका और अल्बर्टो शुरुआत में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, पर जब भी लुका जूली के साथ ज़्यादा बात करने लगता है तब अल्बर्टो को थोड़ी बहुत जलन होने लगती है। पर अल्बर्टो कभी भी लुका के साथ बिट्रे नहीं करता, वो इस चीज़ को समझता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। कॉम्पिटिशन के अंदर लुका, अल्बर्टो और जूली एक टीम बन जाते हैं, जिसके अंदर अल्बर्टो का काम खाने का होता है, जूली का काम स्विम करने का होता है और लुका का काम साइकिलिंग के अंदर रेस जीतना होता है। अब लुका, अल्बर्टो और जूली, इन तीनों की फ्रेंडशिप लुका और अल्बर्टो के सच की वजह से ब्रेक हो जाएगी या फिर वो हमेशा फ्रेंड्स रहेगा? इंसानों को सच में लुका और अल्बर्टो की सच्चाई पता चलेगी? अगर चल गई तो उनके साथ क्या बिहेव करेंगे? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? लुका के पेरेंट्स क्या सच में उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मूवी देखने के बाद आगे पता चलता है। और ये मूवी देखने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ना, बहुत ऑसम क्रिएट होता है। ये मूवी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और फैमिली के साथ देखने में इसे और मज़ा आता है। लुका जब जूली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तब जूली उसे कई सारी चीज़ें बताती है इस वर्ल्ड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में। ऊपर जो स्टार्स हैं उन्हें लुका पहले मछली कहता था, पर जूली उसे समझाती है, टेलीस्कोप में दिखाती है कि वो असल में स्टार्स होते हैं और उन स्टार्स के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो टेलीस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। ये सब जानने के बाद लुका के मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है इन सब चीज़ों को और जानने की, और उसका मन होता है कि वो भी जूली के साथ शायद स्कूल जा पाता, पर उसकी सच्चाई की वजह से वो जूली के साथ स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें हम उसके एक्सप्रेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अल्बर्टो चाहता है कि लुका उसी के साथ हमेशा रहे, उसी का बेस्ट फ्रेंड बन के रहे। उन दोनों का शुरुआत में सपना होता है कि वो वेस्पा पे पूरी दुनिया घूमेंगे, पर लुका का जो अचानक से माइंडसेट चेंज होता है ना, उससे अल्बर्टो खुश नहीं होता। इस मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो लिटरली देखकर हमें लुका के मन के अंदर जो चल रहा है ना उसे हम फील कर पाते हैं। जैसे कि समुंदर के पानी से निकलने के लिए लुका का पूरा मन होता है पर वो डर के मारे निकल नहीं पाता। वो पानी की एज तक पहुंच जाता है पर वहां से जरा भी अपना सर बाहर नहीं निकलता। दूसरा भी एक ऐसा सीन है जहां पे लुका अल्बर्टो को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो सभी के सामने कह देता है कि देखो वो सी मॉन्स्टर है। तब अल्बर्टो का जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसे ऐसा लिटरली लगता है कि अल्बर्टो ने लुका को अपना बेस्ट फ्रेंड माना था पर उसी ने इंसानों के लिए उसे बिट्रे किया। और वहाँ से वो एकदम मायूस चेहरा लेकर समुंदर में वापस लौट जाता है, पर आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही जाता है। इस मूवी का पूरा पर्पस सिर्फ एक ही चीज़ को पोर्ट्रे करना है। इस मूवी को ध्यान से देखें तो इस मूवी के अंदर हमें लुका की जर्नी को दिखाया गया है, किस तरह से वो समुंदर की गहराई से इंसान बनता है, कैसे वो चलना सीखता है, कैसे वो नए दोस्त बनाता है, कैसे उसका वेस्पा पाने का सपना उसे एक इम्पॉसिबल सी रेस जितवाने को मजबूर करता है। ये सारी चीज़ें देखकर हमें अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है और हमें बहुत मज़ा आता है। इस मूवी के अंदर कुछ कमियाँ भी है जो मैंने नोटिस की। पहली कमी, जब लुका समुंदर में से बाहर आता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता, पर जब उसकी फैमिली समुंदर में से बाहर आती है तो वो प्रॉपरली चल पाती है और वो भाग भी पाती है। ये चीज़ देखकर थोड़ा अजीब मुझे लगा। और थ्रू आउट द मूवी हमें दिखाया गया है कि सारे इंसान सी मॉन्स्टर से नफरत करते हैं, उनसे काफ़ी डरते हैं, उन्हें जैसे ही मिले मार देना चाहते हैं, उन पे इनाम रखा होता है। पर जैसे ही मूवी एंड होती है सब अचानक से उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस सीन को हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं पर लॉजिकली देखा जाए तो इतनी आसानी से इंसान सी मॉन्स्टर को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। सो ओवरऑल ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। इस मूवी का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था मेरे लिए। मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि मैंने इस मूवी को देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने इसके हर एक सीन को एंजॉय किया। ये मूवी दिखने में भी बहुत रिच है, कलर्स भी बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं। ऑफ कोर्स पिक्सार एनिमेशन ने बनाया तो इसमें कोई कंप्लेन तो हो ही नहीं सकती। सो आप भी एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर एक सी मॉन्स्टर की इंसान बनने तक की जर्नी, वो कैसे फ्रेंड्स बनाता है, कैसे इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाता है, वो कैसे रिलेशन क्रिएट करता है, उसकी वो जर्नी आप देखना चाहते हो ना, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था लुका इस मूवी के बारे में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।